तो यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस एक टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में दोस्तों। और आज के इस वाले एपिसोड में गाइस जैसे कि यहाँ पर आपने भाई पिछले एपिसोड में देख लिया था दोस्तों, हमने जो है भाई देखो जिमी यहाँ पर वापस आ गया टूने के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी अमांडा उसकी जो बीवी है ना दोस्तों यहाँ पर उसके घर पे गई हुई है दोस्तों यार उसको मनाने वनाने के लिए कि यार वो मान जाए, ठीक है ना। और माया मैम की थोड़ी सी तबीयत वगैरह यार अभी जो है ठीक नहीं चल रही है, उन्होंने जो है कच्चे आम खाए थे, ठीक है ना, और उनके जो है गले वले फूल गए, इस वजह से वो आ नहीं रही है ऑफिस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप एक दो दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है ना। अभी फिलहाल दोस्तों यार मैं ही काम कर रहा हूँ। और अभी गाइस मैं जा रहा हूँ दोस्तों सैंडी शॉर्ट्स की ओर, क्योंकि गाइस वहाँ पर ना एक गाड़ी मिल रही है बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, और ना मैं उस गाड़ी को थोड़ा सा रेनोवेट करके अपने शोरूम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे दामों पर जो है बेच सकता हूँ। तो भाई देर किस बात की, फिर मैंने सोचा यार अगर इतने अच्छे खासे दामों पर तुम्हें एक गाड़ी मिल रही है वो भी बहुत अच्छे रेट पर, तो भाई डील को अपने हाथों से कभी भी नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार क्या कर रहे हो, बाकी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दो, ठीक है ना। चलिए जल्दी चलते हैं। ओ भैया, और तो और यार गाइज यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियाँ यार वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हैं इस वाले हाईवे पर, बट तुम्हें तो थोड़ी हाई स्पीड पर ही क्रूज़ करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर आपका चालान वगैरह भी कट सकता है। नॉर्मल उस वाले पर भी कटता है बट इस पर भी, बाकी सही है भाई। और दोस्तों ये हमारे पास एक R1 आई थी, इसके अंदर भी हमने काम किया, इसके अंदर क्या काम किया मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर हाइड्रोलिक्स इंस्टॉल किए गए हैं। अब हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली हाइड्रोलिक्स की अगर मैं यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताऊँ, ये कुछ अलग टाइप की फुल फॉर्म है यार, एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी। मैं देखो चलते हुए बाइक के हाइड्रोलिक्स, बाइक खड़ी भी हो जाती है दोस्तों, ये देखो ये देखना देख रहे हो, ये हाइड्रोलिक्स का ही कमाल है। ये देखो इसके अंदर जो सस्पेंशन वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं, तो एयरी सस्पेंशन है, बट इसके अंदर जो खर्चा है बहुत ही ज़्यादा आता है। इसके अंदर गाड़ी के सस्पेंशन को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम फाइनली सैंडी शॉर्ट्स पहुँच गए हैं और मैं उस बंदे से यहाँ पर डील करके देखता हूँ। अगर हमारी अच्छे खासे प्राइस में डील क्रैक हो जाती है तो यार मैं फाइनली उसको गाड़ी को जो परचेज कर लूँगा। और ये जो R1 का मालिक है वो भी सैंडी शॉर्ट्स में रहता है, तो मैंने सोचा गाड़ी को भी डिलीवर कराऊँगा R1 को, और हमें जो गाड़ी लेनी है दोस्तों मैं वो गाड़ी लेकर भी जल्दी से यहाँ पर आ ही जाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं मज़े से। मेरे ख्याल से ये जो R1 है वो है दोस्तों हॉस्पिटल में एक स्टाफ मेंबर है, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लड़की की बाइक है ये। हाँ राजू ने मेरे को ये बताया था, वही इसको पिकअप करने आया था, तो लेकर तो मैं आया हूँ हाइड्रोलिक्स। एक बार मैं आपको हाइड्रोलिक चेकआउट करा दूँ, रुक जाओ, ये खाली इलाका है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, और ये देखो ये खड़ी हो गई, खड़ी करूँ, ये देखना सस्पेंशन कैसे निकलेंगे बाहर को, ये देखो पूरी R1 देखो दोस्तों कैसे हो गई, देख रहे हो ये होते हैं, ये देखो ऐसे जंप करेगी अपने आप। असल में जिसको विली नहीं मारनी आते ना इजीली विली मरवा देगी, बटन दबाते ही विली खुद लगेगी गाड़ी के अंदर, बस आपको बाइक के ऊपर जो चिपक कर बैठे रहना है। तो डॉक्टर के लड़के को भाई शौक होगा विली वगैरह मारने का, भाई जितना जिगरा नहीं होगा कि R6 के अंदर विली मार पाए, तो इसीलिए कह रही है R1 नहीं है R6 है ये, मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है। चलिए इसको मैं बाइक को जो है यार यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ, और इसकी जो पेमेंट है दोस्तों वो तो आ गई थी, ज़रा मुझे फीस वगैरह अंदर पकड़ानी होगी। बाइक तो देखो दोस्तों यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, और दोस्तों बाइक है भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। शायद से ये इनका नौकर है, मेरे ख्याल से इसी को यहाँ पर चाबी जो है पकड़ा देनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। और राइट गाइस, तो यहाँ पर भाई मैं अंकल जी के पास आ गया था। खैर थोड़े से अधेड़ उम्र के हैं, उम्र नहीं उम्र के हैं, ठीक है ना। और यार पूरी कहानी दोस्तों ये है कि जो गाड़ी है ना ये इनके लड़के की कार है, ठीक है ना, और इनका लड़का जो कनाडा अभी जो है स्टडी के लिए गया हुआ है और वो वहीं पर शिफ्ट होगा और वहीं पर ट्रक वगैरह भी चलाता है, तो उसने गाड़ी ली थी अब से 2 साल पहले मित्सुबिशी की, और उसने काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन दोस्तों इस गाड़ी के ऊपर यार करवा रखी हैं, टोयो टायर्स पूरे, उसने यहाँ पर जैपनीज कल्चर जो होता है ना उसने वो फॉलो कर रखा है, और गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर MIV टर्बो लगा हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंजन है गाड़ी का।
और ये अपने टाइम की ना एक बहुत ही विन डीजल ने भी इस कार को यहाँ पर जो है चलाया है, मेरे ख्याल से विन डीजल ही है जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी है, जो कि एक बारी बहुत तेज़ कार वो हमेशा चलाता था, ठीक है ना, और रेस करता था। एक दिन वो रेस कर रहा था और उसकी वहीं पर मौत हो गई एक्सीडेंट होने के कारण कार से। तो इसीलिए प्लीज़ गाड़ियाँ या फिर अपनी बाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा स्लो चलाएं, ठीक है ना दोस्तों। और ये रही हमारी गाड़ी और ये सर है। सर इस गाड़ी के जो है दोस्तों यहाँ पर $30 लाख जो है मांग रहे हैं। और अगर फिलहाल हम बात करें, ये वाला जो मॉडल है वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए, एक शोरूम में खड़ी है ये गाड़ी, ठीक है ना, और आती नहीं है और लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ ना, थोड़ा सा पेंट सर्विस होके ना गाड़ी आराम से 40-45 तक बिक जाएगी, बट फिर 15 ही बचेंगे ना। मैं इनसे थोड़े से और पैसे तोड़वाने की कोशिश करूँगा, कम ही निकालता हूँ गाड़ी में। हाँ जी सर, एक बार जरा हम थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं गाड़ी की, बैठिए, पेट्रोल तो डलवा लेते। चलो खैर कोई नहीं, लेनी तो मुझे है। अबे यार इसमें लाइट का सिस्टम नहीं है क्या? बढ़िया, ठीक है, ये हो गया भाई अंदर का सामान, ठीक है, बढ़िया है, अंदर से बढ़िया है गाड़ी, पर छोटी नहीं है थोड़ी। चलो कोई नहीं, टर्बो हल्का सा ना, टर्बो में सर लैग है। खैर दोस्तों लैग नहीं है, जिस बुड्ढे को बताना तो पड़ेगा ही ना गाड़ी को चलाते समय, वरना बुड्ढा बोलेगा अरे मेरी तो बिल्कुल नई कार थी, समझ गए। टर्बो में कोई लैग वगैरह नहीं, पूरा 9000 आरपीएम पे गाड़ी जाके गियर चेंज कर रही है। पर दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, गाड़ी जो है सर्विस वगैरह तो मांग ही रही है, भले कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बट सर्विस वगैरह तो मांग ही रही है। मैं इस गाड़ी के सर को दूंगा पूरे के पूरे ये 30 लाख, यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रखे हैं। मैं इसको 22 में तो अगर ये देंगे तो भाई मैं ले लूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा इस गाड़ी का। वैसे 22 बहुत ही ज़्यादा सही वैल्यू लगाई दोस्तों मैंने इस कार के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी एक बार ही दोस्तों बातचीत कर देख लेते हैं, अगर ये डील हमारी बनती है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर नहीं बन पाई वो तो देखो भाई इनके ऊपर बात है, ठीक है ना। चलिए फाइनली आ चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इंजन थोड़ा सा गाड़ी का जो है हीटअप ज़्यादा ही हो रहा है, लग रहा है कि गाड़ी के अंदर जो कूलेंट वगैरह भी नहीं है सर, गाड़ी के अंदर कूलेंट वगैरह भी नहीं है, और थोड़ा सा ना गाड़ी का इंजन आपका कुछ ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना ज़्यादा गर्म हो रहा है टेम्परेचर गाड़ी का। जून का महीना चल रहा है बट कार्स के टेम्परेचर इतने भी ज़्यादा हाई नहीं चलते हैं जितना इसका ज़्यादा चल रहा है, तो मोटा खर्चा इसके इंजन में बैठ सकता है, और इंजन भी पुराना हो गया, 2 साल में तो गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है। बाकी 22 लाख लास्ट ऑफर है, यस और नो करके बता। राइट गाइज, तो फाइनली यार बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था यहाँ पर, ठीक है ना, फिर भी तोड़ते मरोड़ते 25 लाख तक जो है डील दोस्तों बनी, और फाइनली यार मैंने गाड़ी जो है ख़रीदी ली। अब 40-45 तक मैं इस कार को जो इजीली 200 लॉस सैंटोस में जो बिक जाएगी, ठीक है ना, थोड़ी सी इसकी सर्विस वगैरह करनी पड़ेगी। तो फाइनली यार गाड़ी तो हमने ले ली है, तो चलिए अब यार चलते हैं यार यहाँ से। यार बुढ़ा यार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है तेज़ निकला, यार $25 लाख में खैर ने दोस्त यहाँ पर जान छोड़ी है, बट मुझे उम्मीद है। हाँ वैसे भी बम्पर तो मैं चेंज करानी वाला हूँ इस गाड़ी के ऊपर ना दोस्तों, मैं यहाँ पर लगाऊंगा। एक बंदे से मैंने बात कर रखी थी, मैंने रात ही बात करी थी, मैंने कहा था कि अगर वो गाड़ी मेरे को मिल जाती है ना, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी की मॉडिफिकेशंस लॉस सैंटोस में या फिर ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर कंट्रीज जितनी भी हैं, सब कुछ मॉडिफिकेशंस के पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं, सारे जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो बहुत है यहाँ पर, तो बहुत सारी किट्स वगैरह हैं इसकी। कम से कम मैं इसके ऊपर $2 लाख और लगाने वाला हूँ, ये मेरे को पड़ जाएगी $27 लाख की, और 40-45 में ईजिली दोस्तों बिकेगी। फिर देखना है गाड़ी बोलेगी मुझसे मैं कार हूँ अभी देखना आप। अभी सबसे पहले मैं इसको लेकर चलते हैं यार, इसका टॉप एंड निकाल कर देता हूँ, कितना निकाल रही है गाड़ी टॉप एंड अपना। वैसे एसी वगैरह भी अच्छा है कार का यार, शिट। बिल्ड क्वालिटी तो देखो दोस्तों इस गाड़ी की है ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, ये तो देखो यार आपको मानना ही पड़ेगा, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी एक्सीलेंट है।
वैसे मैंने सामने से कुछ ज्यादा नहीं मार दी, रेडिएटर टूट सकता है भाई और फिर मोटा खर्चा बन सकता है, रहने देता हूं। तो बुलेट वाला बहुत तेज आ रहा है। ओ भाई साहब घुस गया वो साइड में। चलिए काफी इजीली मैंने गाड़ी को जो है चला रखी है दोस्तों, बढ़िया। चलो थोड़े बहुत तो यहाँ पर दोस्तों दिक्कतें आई जाती हैं यार, बट गाड़ी का अगला बम्पर तो पूरा का पूरा ही हिल गया। ये तो खैर निकलवाना पड़ेगा, पूरा का पूरा बम्पर ही चेंज होगा दोस्तों। और आगे ना मैं कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पर इस गाड़ी में जब मॉडिफाइड में लगवाने वाला हूँ, तो गाड़ी भाई जब दिखेगी ना एक नंबर लगने वाली है। इसके किट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं दोस्तों यहाँ पर, तो फुल टू मॉडिफाइड कराने वाले हैं दोस्तों आज इस गाड़ी को। उतरी आराम से यार। एक तो लोग बाग पता नहीं यार अंधों के चलाते हैं शहर के अंदर गाड़ियाँ। चल 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 चल। अभी तो यार इसका टॉप एंड भी निकल रहा कुछ 162-163 पे टर्बो दम तोड़ रहा है, वरना 200 प्लस तो भागनी चाहिए यार इस कार को, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज में दिखाते हैं यार। कुछ भी नहीं है ऐसा, तो खैर देखा जाएगा भाई अब क्या होता है क्या नहीं। चलिए फाइनली हम यहाँ पर आ गए। सबसे पहले भाई रिपेयर, अब आर्मर दोस्तों लगवा रहा हूँ। 25,000 का गाड़ी के ऊपर आर्मर लगेगा, चलो भाई लगा दो। ब्रेक्स 17,500 के रेस ब्रेक्स लगेंगे कार के अंदर, लगा दो। फ्रंट बम्पर, अब यहाँ पर बात होगी दोस्तों, बहुत सारी किट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। स्टॉक तो देखो ये है, फिर एक ये होगा, माई गॉड, फिर एक ये विंगलेट लगा हुआ, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ये ये, ओ माय गॉड। पर एक मैं बात बताऊँ आपको, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है दोस्तों, वरना सिंपल तो सबसे ज़्यादा यही है। सिंपल नहीं रखना ना, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड लग रही है गाड़ी, ठीक है ना। बट यहाँ से थोड़े से बाहर को निकले हुए इसके बम्पर के पीसीज वगैरह, बट कोई नहीं दोस्तों, गाड़ी का लुक भी तो एक मैटर करता है ना, ठीक है ना। रेयर बम्पर भी है स्टॉक में, तो ऐसी आती है गाड़ी, तो फिर हाँ एक ही आ जाता है। ओके तो ये इससे अलग क्या है? अच्छा थोड़ा सा नीचे स्किड प्लेट्स वगैरह लग जाएंगे, एक ये हटा जाएगा। ओके हाँ वैसे ये वाला ज़्यादा सही है, वो आगे से पूरी की पूरी गाड़ी को कवर अप कर रहा है ना। वैसे ये भी काफ़ी डिसेंट लग रहा था, बट ये इतना ज़्यादा वो नहीं करना है। चेसिस चेंज करा दीजिए, ठीक है ये लगवा देता हूँ गाड़ी पर, सही रहेगा ये। इंजन 16,500। एग्जॉस्ट, इस गाड़ी में एग्जॉस्ट भी तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज आप करा सकते हो। फेडर्स ये भी लगवा देता हूँ, ये पूरी बॉडी के साथ ना अब यहाँ पर ना कवर अप हो गई है, ठीक है ना। ये इस चीज़ से यहाँ पर जो है दोस्तों कवर होते हैं, ठीक है ना। और आप हुड भी यहाँ पर चेंज करा सकते हो, जैसे कि ये स्टॉक है। ओके ये थोड़ा सा बोल्डर है ये कार्बन फाइबर। ओके हाँ वैसे सबसे ज़्यादा प्यारा ना ये लग रहा है दोस्तों, ये लाइट्स वाला लुक, ये एकदम यूनिक लग रहा है। हॉर्न लुक और नियॉन लेआउट्स और इनका कलर दोस्तों यहाँ पर जो है पर्पल रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी गाड़ी। और ब्लैक नंबर प्लेट ही सही है इसकी, और इसकी लिवरी भी चेंज करानी है दोस्तों मुझे कार की, ठीक है ना। ब्लू वाइट येलो, ओ माय गॉड, बहुत सारी लिवरीज दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनके लड़के ने ये करा रखी थी, तो मैं इस गाड़ी के ऊपर एकदम न्यू लुक दे रहा है ना कार को, तो मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर ये वाली बहुत प्यारी लगेगी दोस्तों, ये या फिर ये। मेरे ख्याल से ब्लू में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं ब्लू इसको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और रूफ़ भी, ओ माय गॉड, अब रूफ़ भी इसकी चेंज हो जाएगी क्या? वैसे रूफ़ को भी मुझे यहाँ पर कराने दिए स्किट्स। ओके ओके स्किट प्लेट्स भी इनके साथ दोस्तों अटैच हो गई, और स्पॉइलर, ओ माय गॉड, ये वाला स्पॉइलर है, ये वाला डबल फेंडर्स। वैसे दोस्तों मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं अपने हिसाब से भाई ये लगाऊंगा। सस्पेंशन और ज़्यादा डाउन, ट्रांसमिशन, टर्बो, व्हील्स हाई एंड। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर स्पोर्ट्स करके वो स्टार वाले लगवाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगा।
टायर डिज़ाइंस, बुलेट प्रूफ टायर, टायर स्मोक को यहाँ पर दोस्तों ब्लू टायर स्मोक करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। ब्लू टायर स्मोक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, विंडो को पूरी ब्लैक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब दोस्तों इस गाड़ी को जो भी देखने वाला है ना, वो इस कार का दीवाना होने वाला है, कसम से बता रहा हूँ मैं। और ये गाड़ी 50 लाख की भी एकदम बिकेगी। अब इस गाड़ी पर लग चुकी है दोस्तों लागत, बढ़िया वाली होगी। What the fuck, dude? बढ़िया। अब इस गाड़ी की टर्बो भी पहले से अच्छी काम कर रही है दोस्तों, मेरे ख्याल से पहले से अच्छी वर्क कर रही है। चलिए जल्दी से हम जो है अब यहाँ पर गाइस लॉस सैंटोस पहुँचे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यार यहाँ पर जो भाई रात हो चुकी है, बट कोई नहीं, अब फाइनली हम यहाँ पर लॉस सैंटोस तो पहुँच ही गए यार। और गाड़ी देखिए भाई साहब यार, कितनी ज़्यादा खतरनाक, कितनी ज़्यादा दोस्तों खूबसूरत लग रही है। मतलब हर बंदा ना भाई गाड़ी की तरफ ही देख रहा है। ये देखो भाई साहब, और ना मैं इस गाड़ी को दोस्तों शोरूम पर नहीं खड़ी करूँगा, मैं इस गाड़ी को ना शोरूम से अलग बाहर बेचूँगा। क्यों भाई, वरना माया को पता चल जाएगा, माया बोलेगी अच्छा बेटा तुम बाहर भी बेच रहे हो। अभी माया को 1 करोड़ का ही नहीं पता जो टूटने को छुड़ाने के लिए यहाँ पर लगाए हैं। माया को अगर पता चल गया ना फिर और ज़्यादा झंझट पैदा हो जाएगा। इससे बढ़िया भाई छोड़ो, हम सीधा ही चलते हैं। चलिए, क्या कार लग रही है दोस्तों, एक नंबर, बढ़िया। मैं इस गाड़ी को दोस्तों बाहर ही सेल करूंगा, मैं इस गाड़ी को अंदर सेल करने नहीं वाला भाई, वरना तो भाई माया अपना सबसे ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर रखेगी और हमारे हाथ दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा। हम ठन ठन गोपाल करते रह जाएंगे फिर से, आराम से। और फाइनली इसी के साथ गाइस हम जो अपने घर पर पहुँच गए हैं। चलिए इजीली, बढ़िया। ऑलराइट, आई एम स्टिल अलाइव इन केस यू वंडरिंग। ओके, तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए यहाँ पर। और गाड़ी देखी दोस्तों आपको कैसी लग रही है, और एक बार ना कमेंट करके बताइए यार ये गाड़ी मुझे यहाँ पर सेल कितने की करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कार यहाँ पर कितने रुपए की यहाँ पर जो सेल हो सकती है, आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। आई होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, लगी तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऑब्वियसली यार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।